अल्हम्दुलिल्लाह वो कड़पा शहर में पहली बार ये हिजामा प्रोग्राम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है, कई लोग आ रहे हैं। ये शाही बैंक्वेट हॉल में आज मुकरर हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हुक्म दिया करते थे कि हिजामा करवाएं, इससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जो स्किन में जो गंदगी रहती है वो गंदगी दूर हो जाती है, स्किन में से वो सेल्स आके खून के ज़रिए से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी दूर हो जाती है, जिसकी वजह से कई बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह कम हो जाती हैं। जैसा कि बॉडी पेन्स है, बैक पेन है, नेक पेन, माइग्रेन और कई क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिसीजेस, इनफर्टिलिटी और लेडीज़ के जो प्रॉब्लम्स रहते हैज़ के प्रॉब्लम्स रहते उसमें और कई चीज़ों में, कई बीमारियों में इसमें शफा है, पाइल फिस्टुला वगैरह। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार कड़पा में ऐसा ऑर्गेनाइज करें, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर अली है, साइपेट में रहता हूँ मैं। आज ह्यूमन केयर सोसाइटी की तरफ से शाही बैंक्वेट हॉल में 300 आदमियों का हिजामा कैंप प्लान किया गया है, मेडिकल कैंप, और इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कड़पा के शहर के, हमारे आवाम की तरफ से। और कड़पा ही शहर ही नहीं, प्रोदूटूर, दूबूर, राजमपेट, बदबेल, रायचोटी और हमारे आसपास के खरीओं से बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आए हम लोगों ने। लेकिन 300 ही जो हमारे टोकन्स थे, इसीलिए हम लोगों को एक दिन में 300 ही टोकन्स फिलअप कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 300 टोकन दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हिजामा करवाया और सबको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा, ताकि जिन लोगों की बीमारियां थी थोड़ा बहुत उन लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह ह्यूमन केयर सोसाइटी की तरफ से ऐसे ही कैंप्स करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारी जितनी भी टीम यहां पर है और कुवैत में है, जो हमारी टीम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस कैंप को और बड़े पैमाने पर करने का इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं।